स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का इलेक्टिव का पेपर है, ठीक है। मिड टर्म का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इसके आंसर की तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। तो जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को देख के आइडिया ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसा पेपर रहा और कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पैसेज के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो और उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन पोएम कविता के बेस पर था, ये अनसीन होती है, ठीक है, बुक से नहीं आती, बाहर से आती है, ठीक है। आप इसे आराम से देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आए वो भी आप देख सकते हैं, मतलब ये पैसेज जैसे होती है ना वैसे कविता में से क्वेश्चन के आंसर में देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो एक थर्ड बुक होती है अभिव्यक्ति वाली, अगर आपके पास बुक नहीं तो सपोर्टिंग मटेरियल आप उसे कर सकते हैं। तो ये उसी में से सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं, रेडियो समाचार या संचार आदि से जुड़े हुए। फिर आपकी बुक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको काव्यांश में यहाँ पर आंसर देना, मतलब कविता का नाम, पाठ का नाम, उसकी विशेषताएं अगर जैसे पूछेगा तो वो, नहीं तो पैसेज आइए या स्टेंज आइए तो उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसी फिर आपकी किताब में से एक जो गद्यांश है उसके आपको जो MCQ उसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो बालक ने इनाम में क्या मांगा था आपको पता है, लड्डू मांगा था, ठीक है, और इसलिए उसका बचपन बच गया था, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। और सुमेर के मन के आपने चैप्टर में से पढ़ा होगा, अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और फिर ये कोहिया वाला जो है मैचिंग इसमें दिए, मतलब तो ज़्यादातर आप देख सकते हो MCQ भी वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद आपके वर्णात्मक में है जिसमें आपको एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ये आपके व्यक्ति में से थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया कि 60 शब्दों में लिखना है, मतलब जैसे जो उल्टा पिरामिड शैली है ना, तो समाचार लेखन के मुख्य जो 6 ककार होते हैं उसके अनुसार बोला फीचर की परिभाषा पूछी है, बाकी क्वेश्चन पूछे। और फिर यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या पूछे, तो आपको कहाँ से लिया गया, इसकी कविता कौन है वगैरह वगैरह आपको बताना है। फिर गद्यांश के बारे में दे रखा है यहाँ पर। फिर 14 क्वेश्चन है, इस तरीके से इतना ही था इस पेपर में, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, केयरफुली टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स।